हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉसिबल एलेवन की यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये मैच वीडियो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो T20 श्रृंखला का जो पहला मैच खेला जाएगा उसके लिए। फ्रेंड्स, हमने देखा ODI सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट जो गेम्स में डोमिनेट किया, लास्ट मैच इंडिया जीता। पर मुझे लगता है T20 में एक इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत ही सॉलिड है। अगर हम T20I की बात करें तो दोनों ही की टीम की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 आप सामने देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो एरन फिंच कप्तान, डार्सी शॉट के साथ ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं, बिग बैश के एक बड़ा नाम फिस्टी स्मिथ आपको दिखेंगे, मानस लाबुशियान दिखेंगे, ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही डेडली फॉर्म में वो दिखेंगे आपको, आपको एलेक्स कैरी दिखेंगे, आपको ऑस्टिन टर्नर दिखेंगे, ऑस्टिन एगार दिखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, मिचेल स्टार्क दिखेंगे, सीन एपर दिखेंगे, लास्ट मैच में ये दिखे थे, एडम जैम्पा है और जोश हेजलवुड। बहुत अच्छी गेंदबाजी है इनके पास और बैटिंग भी कंसोलिडेटेड है। वहीं इंडिया की तरफ से बोलूँ तो लोकेश राहुल वापस बैक टू ओपन दिखते हुए मिल सकते हैं विद शिखर धवन, विराट कोहली कप्तान, फिर श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी एंड युजवेंद्र चहल। तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है बॉलिंग में, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। तो मुझे ये ठीक लगी टीम, बॉलिंग में तीन प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं आपके पास, दीपक चहर, बुमराह, शमी, दो स्पिनर चहल और जडेजा, ऑलराउंड एबिलिटी के साथ तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया उतरेगी। प्रीव्यू की ओर, पैट कमिंस रेस्ट किए कर दिए गए हैं T20 श्रृंखला के लिए, डार्सी शॉट रिप्लेसमेंट इंजर्ड डेविड वार्नर के। इसमें आपको ₹500 का गिवअवे मिलेगा, तो फ्रेंड्स जरूर इंस्टॉल कीजिए हमारी एप्लीकेशन पॉसिबल 11, दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, रेफरल कोड डालिए कैपिटल वाई और कैपिटल टी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तीन मैच की श्रृंखला का पहला मैच है मोरक्को ओवल कैनबरा में, ये मैच खेला जाएगा फ्राइडे को। जैसे मैंने अपडेट कर दिया कि वनडे सीरीज की जिस हिसाब से खेलेंगे उस हिसाब से शायद नहीं दिखेगा, एक दोनों ही टीम लास्ट वो गेम तक के लिए दिखते हुए मिलेगी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम से जैसे मैंने कहा कि स्टीव स्मिथ बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे थे, फर्स्ट दोनों मैच में शतक चढ़ा था, लास्ट मैच में एक इंजरी हो गई, डेविड वॉर्नर बाहर हो गए, एक बड़ा नाम बाहर हो गया बिना पैट कमिंस के, स्टॉइनिस तो मतलब थोड़ा सा क्लिंची हो गया कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के लिए वॉर्नर और पैट कमिंस के नए रहने से। फिर लेकिन डार्सी शॉट एक अच्छे बैट्समैन के रूप में देखते हैं बिग बैश की जब भी हम बात करें तो, उनके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स को यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल है, एलेक्स कैरी है, एरन फिंच खुद, फिर स्टीव स्मिथ, फिर ऑस्टिन एगार भी एक बैटिंग ऑप्शन आपको देते, सीन एबर्ट है, जैम्पा और ऑस्टिन एगार काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखते हैं, खासकर इंडिया के खिलाफ थर्ड ODI में हमने देखा था। स्टार्क रिप्लेस हो सकते हैं डैमियन सैम के चलते, यानी कि इन्हें इंजरी का एक इशू है, तो अगर इंजरी इनकी रही तो फिर डैमियन सैम देखने को मिल सकते हैं इन प्लेस ऑफ मिचेल स्टार्क। फिर आगे बढ़ते हैं टीम इंडिया के अपडेट की ओर। तो एक कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ, अच्छी फॉर्म के साथ इंडिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट मैच जीत के आ रही है, एक विनिंग मोमेंटम है। नटराजन ने अच्छी गेंदबाजी की थी अपने डेब्यूट में, शायद वो T20 में भी डेब्यू करते हुए दिखे, ऐसे भी चांसेस हैं। धवन और लोकेश राहुल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, अच्छा मिडल ऑर्डर है, फिर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, दोनों ने लास्ट मैच में कमाल की 150 रन की अपराजित पार्टनरशिप की, साझेदारी इनकी बहुत अच्छी रही। फिर आगे बात करूँगा विराट कोहली, लास्ट मैच में तो नहीं पर अच्छे सीरीज में फॉर्म में देखे हैं, अच्छे कंसिस्टेंटली रन स्कोर किए इन्होंने। और बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात हो तो दीपक चहर और नटराजन में एक टॉसअप होगा, अब शायद नटराजन एक मैच खेल के आ रहे हैं इसीलिए नटराजन के साथ जा सकते हैं टीम मैनेजमेंट, क्योंकि बॉलिंग काफ़ी अच्छी की है इन्होंने पूरे IPL में, अच्छी योकर से T20 के लिए तो बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। वहीं दीपक चहर की बात हो तो दीपक चहर भी बहुत अच्छे उच्च स्तरीय के गेंदबाज हैं, थोड़ा बैटिंग भी आपको देंगी, तो इसीलिए दीपक चहर का हल्का पड़ रहा बाड़ी है, पर फ्रेंड्स फिर भी ये पूरा टीम मैनेजमेंट और कैप्टन का कॉल होगा। हेड टू हेड की बात हो रही है तो इंडिया इसमें स्लाइटर एज आगे रहता है, T20 में ऑस्ट्रेलिया की टीम वो उतनी स्टेबल नहीं रहती जैसी वनडे या टेस्ट में रहती है। तो मैंने जैसे कहा कि हेड टू हेड में थोड़ा सा इंडिया का पड़ रहा हल्का भारी रहता है, T20 में ज़्यादा फेवरेट दिखती है। फिर लाइव स्ट्रीमिंग की बात हो तो आप Sony 10, Sony 6 पे आप देख सकते हैं ये मैच को,
फैंटेसी टिप्स की बात हो तो लोकेश राहुल आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। मैं एज अ कैप्टन भी उन्हें अपनी टीम में देख सकता हूँ। स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की कुछ चॉइसेस यहाँ पर है। नाशी शूट ग्रैंडिंग में आप ट्राई कर सकते हैं, शिखर धवन को ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हैं। कुछ मस्ट पिक्स, कुछ रिस्की पिक्स, की प्लेयर्स विद द फॉर्म्स एंड क्रेडिट एंड पॉइंट्स सभी आपका मेंशन है। रिस्की डाउटफुल प्लेयर में दीपक चहर का नाम दिया गया है। 1:40 दोपहर में मैच शुरू होगा। कल की बात करूँ तो कल का ये मैच है, मोनाको ओवल कैनबेरा में मैच खेला जाएगा। एक अच्छी विकेट है, बैलेंस विकेट है, स्पेस स्पिनर्स बैटिंग सभी को हेल्प आउट करेगी। 170 रन की एक्सपेक्टेड स्कोर हम देख सकते हैं, बारिश की संभावना है बिल्कुल नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं टीम बनाने की ओर, पहले हम चेकआउट करेंगे कुछ टीम्स को। सबसे पहले आपको यहाँ पर जीएल टीम देखने को मिलेगी। जीएल टीम पॉसिबल 11 की जीएल टीम है, ये एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई। कैप्टन शिखर धवन देखेंगे, विराट कोहली वाइस कैप्टन, मनीष पांडे एक रिस्की कॉल, राशिश शूट एक रिस्की कॉल, मैक्सवेल पांड्या ये तो रहने ही थे। तो एक नॉर्मल टीम है, ज़्यादा रिस्क नहीं है, पर आप फिर भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं। एसएल टीम की बात हो तो टीम की जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई टीम है, अच्छी टीम दिख रही है। कैप्टन लोकेश राहुल आपको दिखेंगे, एरन फिंच आपको दिखेंगे एज अ वाइस कैप्टन, शिखर धवन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, राशि शूट, मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या का नाम मिसिंग है, एक अबिट स्ट्रेंज, पर आपको एडजस्ट करना है 11 ही प्लेयर्स खिलाने, तो ये थोड़ा ऑब्वियस है। तो फिर एक और हम नॉर्मल टीम देखेंगे, ये हमारे यूजर्स द्वारा दी गई टीम। वाइस कैप्टन केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल कप्तान, ऑस्टिन एगारा टीम में, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, शिखर धवन, फिंची, स्टार्क, बुमराह, जैम्पा एंड चहल। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी टीम बनाने चलते हैं। तो हमारी जो टीम है उसमें हम लोकेश राहुल को ज़रूर रखेंगे अपनी टीम में, एकमात्र विकेट कीपर के ऑप्शन है वैसे तो यहाँ पर। वही बैट्समैन की बात हो, एरन फिंच हमारे टीम में रह सकते हैं, राशिश शॉट को मैं रखूँगा एक चीप ग्रेड ऑप्शन, स्टीव स्मिथ आप शिखर धवन के साथ जा सकते हैं, मैं धवन के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ विराट कोहली के साथ, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। वहीं ऑलराउंडर्स की बात हो तो हार्दिक पांड्या मेरी टीम में रहेंगे, मैक्सवेल मेरी टीम में रहेंगे, और ऑस्टिन एगारा को भी अपनी टीम में रखना चाहूँगा एज अ प्योर प्योर बॉलर। वहीं बॉलर्स की बात हो तो मैं जसप्रीत बुमराह को ऐड ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे लगता है इस T20 श्रृंखला में इनका एक बेहतर रूप देखने को मिलेगा, जो वनडे में हमें नहीं देखने को मिला, जो शेजुल वुड रखूँगा और एडम जाम्पा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो प्रीव्यू की बात हो तो इंडिया का कुछ कम प्लेयर्स हो गए हैं, एक रिप्लेस कर देता हूँ। तो जाम्पा की जगह हम ले सकते हैं किसी इंडियन, दीपक चहर अगर खेलते तो आप दीपक चहर के साथ जा सकते हैं, नटराजन खेलते तो नटराजन के साथ, तो शमी को मैं के लिए पिक कर लेता हूँ। ये देखिए ये टीम है, एक बैट्समैन अगर आप और लेना चाहें तो आप फिंच को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि T20 में थोड़ा फॉर्म इनका गड़बड़ाता है, तो मैं धवन के साथ जा सकता हूँ। ये टीम के साथ भी आप जा सकते हैं, एक अच्छी टीम है, आप इसके साथ आराम से जा सकते हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात हो, कैप्टन वाइस कैप्टन की जो बात होगी तो कैप्टन मैं लोकेश राहुल को रख रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्क है फ्रेंड्स, पर फिर भी मैं लोकेश राहुल के साथ जा रहा हूँ। वाइस कैप्टनसी मैं दे रहा हूँ मैक्सवेल को दे रहा हूँ, ग्लेन मैक्सवेल को मैं भरोसा जता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यही टीम है, तो चलिए फ्रेंड्स इसे सबमिट कर देता हूँ, एक बेहतरीन टीम है। आप इसी के साथ जाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, भाग लीजिए रेफरल को कैप्टन बाय कैप्टन टी पॉसिबल के एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए। चलिए फ्रेंड्स बाय।